मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के नंबर से कांग्रेस नेताओं को फोन कर लाखों रुपए मांगे गए। भोपाल क्राइम ब्रांच ने इस मामले में दो आरोपियों को हिरासत में लिया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। आरोपियों ने देवास शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी से 10 लाख रुपए और भोपाल के कांग्रेस नेता गोविंद गोयल को कॉल कर 5 लाख रुपए मांगे थे। सबसे पहले देवास में पूर्व सीएम कमलनाथ के फोन नंबर से फ्रॉड कॉल का मामला सामने आया है, जहां कुछ लोगों ने कमलनाथ का मोबाइल हैक कर देवास शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी से 10 लाख रुपए मांगे। राजानी को संदेह हुआ तो उन्होंने मामले की तफ्तीश कर इसकी शिकायत तत्काल देवास एसपी से की। कल मेरे पास शाम को 5:16 पर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के फोन से फोन आया कि वैभव गहलोत जी जयपुर से आपसे बात करेंगे थोड़ी देर बाद, उन्हें आप 10 लाख रुपए दे देना। मैं कमलनाथ जी के यहाँ से बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास नंबर सेव था कमलनाथ जी का, तो मैं पहली दृष्टि में मैंने देखा तो मैं समझ गया था कि ये कहीं गड़बड़ है। 5 मिनट बाद ही मेरे पास एक फोन आया जो मैंने एसपी साहब को भी लेटर दिया है उस नंबर से। उन्होंने कहा जयपुर से मैं वैभव बोले गहलोत बोल रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। उन्होंने कहा जो साहब ने कहा वो कर दीजिएगा। मैं ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। पुलिस अधीक्षक जी को शिकायत की है कि उनके फोन हैक करके उनके फोन से पैसे मांगे जा रहे हैं। उसी का पत्र मैंने आज माननीय पुलिस अधीक्षक जी को सौंपा है कि कानूनी कार्रवाई इस पे होना चाहिए। इधर भोपाल में कांग्रेस नेता गोविंद गोयल ने पुलिस को बताया कि बुधवार दोपहर करीब 1:15 उनके मोबाइल पर कॉल आया। गोयल का दावा है कि कॉल जिस नंबर से आया था वो पीसीसी चीफ कमलनाथ का नंबर है। आरोपियों ने खुद को कमलनाथ का पीएसओ बताया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी बिजी हैं, उन्हें 5 लाख रुपए अर्जेंट में चाहिए। संदेह होने पर उन्होंने थोड़ी देर में कॉल करने की बात कही। इसी दौरान कांग्रेस नेता ने कमलनाथ से फोन पर बात की। उन्होंने ऐसी किसी जरूरत से इनकार कर दिया। थोड़ी देर बाद आरोपियों का दोबारा कॉल आया तो गोविंद गोयल ने आरोपियों को पकड़ने के इरादे से बंगले पर बुलाया। दो युवक करीब 3:30 गोविंद गोयल के बंगले पर पहुंचे, जहां उन्हें बैठाकर चाय पिलाई गई और उन्हें क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया गया। टीम ने दोनों को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने विधायक सतीश सिकरवार, इंदौर के कांग्रेस जिलाध्यक्ष अशोक सिंह को भी कॉल पर पैसे मांगे हैं। दोनों आरोपी गुजरात की एक हवाला कंपनी से जुड़े हैं। आरोपियों के नाम सागर सिंह परमार और पिंटू परमार हैं। इस मामले के मुख्य आरोपी की आखिरी लोकेशन इंदौर में मिली है, उसकी तलाश जारी है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।